ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर जिला से निकले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, व्यस्तम बाजार वाली सड़क या मुख्य मार्ग या फिर गली मोहल्लों की सड़कें हों, दिन भर तेज आवाज हॉर्न बजाने वाले वाहन सरपट गति से दौड़ते रहते हैं। यात्री बसों के चालक भी तेज गति से वाहन दौड़ने के साथ प्रेशर हॉर्न बजाकर राहगीरों को विचलित करने से बाज नहीं आते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां HRTC की बसें में भी उड़ाई जाती हैं। हमीरपुर जिला से निकले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, व्यस्तम बाजार वाली सड़क या मुख्य मार्ग या फिर गली मोहल्लों की सड़कें हों, दिन भर तेज आवाज के हॉर्न बजाने वाले वाहन सरपट गति से दौड़ते रहते हैं। यात्री बसों के चालक भी तेज गति से वाहन दौड़ाने के साथ प्रेशर हॉर्न बजाकर राहगीरों को विचलित करने से बाज नहीं आते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां HRTC की बसों में भी उड़ाई जाती है। निजी बस चालक तो प्रेशर हॉर्न बजाना बस की पहचान के साथ जोड़ते हैं। हमीरपुर में जब HRTC की अमृतसर से हमीरपुर बस में रंगस के पास चालक को प्रेशर हॉर्न बजाते रिकॉर्ड किया गया तो इसकी शिकायत पुलिस से की गई। इसी तरह अवाहदेवी से हमीरपुर आ रही निजी बस के चालक की शिकायत पुलिस से की गई। चालक बिना वर्दी, बिना सीट बेल्ट लगाए प्रेशर हॉर्न बजाते हुए हमीरपुर की तरफ आ रहा था। आपको बता दें कि बसों में सफर करने वाले यात्रियों को गर्मी के इस मौसम में प्रेशर हॉर्न से दिक्कतें उठानी पड़ती है। बुजुर्ग यात्रियों को हॉर्न बजने के दौरान दोनों कानों से हाथ लगाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार बाजार में 120 से 180 डेसिबल तक के हॉर्न की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20 से 25 डेसिबल क्षमता के हॉर्न ही दो पहिया, चार पहिया वाहनों पर लगे होने चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण फैलाने की कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस बारे में DSP हमीरपुर हितेश लखनपाल ने कहा कि वाहनों की जांच के साथ ही प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों की भी अब नियमित रूप से जांच की जाएगी। इस दौरान जिस वाहन में प्रेशर हॉर्न मिलेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में HRTC के RM को लिखा जाएगा ताकि प्रेशर हॉर्न हटाए जाएं। जैसे कि अभी विदित हुआ कि जो HRTC की बसें हैं, सरकारी बसें हैं, उनमें प्रेशर हॉर्न लगाए गए हैं, तो एक स्पेशल चेकिंग भी इसके लिए की जाएगी। और जो RM हमीरपुर है उनसे भी बात की जाएगी कि सभी जो सरकारी गाड़ियों में, बसेज में जो प्रेशर हॉर्न लगे हैं नहीं लगने चाहिए, इनको हटाया जाएगा।